तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल इट्स एम कुमार में, और मैं मनोज कुमार आप सभी के एक साथ एक बार फिर से हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये जो होंडा की SP125 है, इसका बेसिक रिव्यू देखेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कैसी है बाइक, चलाने में कैसी है और क्या क्या इसके अंदर हमको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये यहाँ पे ब्लू वेरिएंट मेरे पास है और ये है जो वेरिएंट वो डिस्क ब्रेक के अंदर आता है। तो यहाँ पे फ्रंट से मैं बात करूँ तो फ्रंट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसका जो एलईडी लैंप है वो मिल जाता है, दो टाइप एलईडी लैंप है यहाँ पे। यहाँ पे एलईडी मेंशन भी किया गया है और साथ में यहाँ पे दो हेलोजन जो है वो इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस तरह से ये साइड के अंदर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड। और नीचे डिस्क पैड की बात करें तो यहाँ पे एक डिस्क ब्रेक है। आगे के टायर के साइज की मैं बात करूँ तो 80/18 का आगे का टायर है और ये जैसे कि मैट फिनिश के अंदर आता है। यहाँ पे हमको फ्रंट के अंदर होंडा की बेजिंग मिल जाती है। साइड से बात करें तो साइड का लुक है वो कुछ इस तरह से आता है। इसके अंदर इस जगह यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है होंडा की बेजिंग देखने को मिल जाती है। पीछे की साइड यहाँ पे SP125 की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड के फुटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये गियर शिफ्टर मिल जाता है और गियर शिफ्टर दोनों साइड से मतलब आगे पीछे से, पीछे वाले व्यक्ति के बैठने के लिए यहाँ पे साइड में ये फुटरेस्ट मिल जाते हैं जो की थोड़े छोटे है लेकिन काम चलाऊ हुए। ये सारी गार्ड है, ये शायद एसेसरीज के रूप में देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा लेफ्ट साइड से कुछ ऐसा लुक आता है। और जो बाइक की लेंथ की बात करूँ तो वैसा बाइक काफी लेंथ में काफी ठीक ठाक है, मतलब 3 सवारी आराम से बैठ जाती है। पीछे से मैं बात करूँ तो पीछे से इसका लुक कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे जो टेल लैंप है वो यहाँ पे बल्ब वाला ही मिलता है, एलईडी लैंप नहीं दिया हुआ है। पीछे साइड के दो इंडिकेटर इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बल्ब का यूज किया है। यहाँ पे एक छोटा सा लैंप दिया हुआ है नंबर प्लेट के लिए। पीछे की बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी समस्या जो मेरे को देखने को मिली बारिश के अंदर, या जो बारिश के कीचड़ वाले दिनों में राइड करने के अंदर, यहाँ पे पीछे से क्या पानी खूब आता है। राइट साइड की प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है राइट साइड की प्रोफाइल। यहाँ पे एक जो सबसे बेस्ट चीज है वो हमें सेल्फ स्टार्ट के साथ यहाँ पे एक स्टार्ट देखने को मिल जाता है। और इसका थोड़ा सा एक इश्यू आता है कि जो ये यहाँ पे कैटलेटिक कन्वर्टर है यहाँ पे ओपन दिया हुआ है और बिल्कुल पैर के पास है, तो थोड़ा सा जब लंबी राइड करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें गर्म सा महसूस होता है, बाकी कोई और इश्यू नहीं है बड़ा। और यहाँ पे हमें जो एग्जॉस्ट है इसके ऊपर क्रोम का मफलर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ऊपर से हम बात करें, पीछे एक चीज ये छूट गई, ये ग्रे रेल है जो कि सेम बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्यूल लीड की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, फ्यूल लीड इसके ऊपर यहाँ पे कवर देखने को मिल जाता है। और मैं इसको अगर ओपन करके दिखाऊं तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये इस तरह से ये पूरा ही लीड है ये यहाँ पे हाथ में आ जाता है। तो इस लीड को भी यहाँ पे हाथ में लेके पेट्रोल भरवाना थोड़ा सा समस्या रहती है। ये इसको यहाँ पे कुछ ज्वाइंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें इग्निशन स्विच मिल जाता है और किल स्विच मिल जाता है। और ये जैसे कि साइलेंट 125 सीसी के अंदर बिल्कुल साइलेंट इसकी स्टार्ट है। मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखिए कितना साइलेंट इंजन है इसका। तो जब ये स्टार्ट होती है तो बिल्कुल इसका पता ही नहीं लगता कि ये स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे राइट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक के लिए लीवर मिल जाता है। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम दिया हुआ है, तो मतलब दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होते हैं, इससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर मिल जाता है। बाईं तरफ के हैंडल के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, साथ में यहाँ पे हॉर्न देखने को मिल जाता है और पीछे यहाँ पे ये पास का स्विच मिल जाता है और इसी से ही यहाँ पे हाई बीम और लो बीम दोनों देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और यहाँ पे जैसे मैं चाबी ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाता है, काफी सारी लाइटें देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेलेक्ट बटन देखने को मिल जाता है, राइट साइड के अंदर यहाँ पे सेट बटन देखने को मिल जाता है। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर गौर से देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर ये है फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, यहाँ बीच के अंदर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ इसके बिल्कुल पास में ये क्लॉक देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है। ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है जैसे कि अभी एक इंस्टेंट माइलेज का यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो ये ट्रिप ए का जो एवरेज है वो शो कर रहा है जो कि इस समय मेरे को मिला है 80.9। और यहाँ पे ये रेंज है जो अभी इस फ्यूल के अंदर गाड़ी लगभग 415 किलोमीटर तक जाएगी और ये एक एवरेज रेंज मिलती है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं होती लेकिन हाँ लगभग इतनी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मैं इसको एक बार और पेश करता हूँ तो यहाँ पे ये है टोटल किलोमीटर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये ट्रिप ए की रीडिंग है, ट्रिप बी की रीडिंग है और यहाँ पे ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमिक मिल जाती है, मतलब आप अभी जस्ट राइड करेंगे तो राइड करते समय आपको ये इस समय इंस्टेंट कितना फ्यूल इकोनॉमी दे रही है वो यहाँ पे शो करता है। जब ये गाड़ी 5 की स्पीड पकड़ लेती है तब यहाँ पे रीडिंग आने स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा जो रेंज का फंक्शन है वो तब काम करता है जब ये जो फ्यूल गेज है इसके अंदर से जो टॉप मोर का बार है वो नहीं होता है। तो कुछ इस तरह का बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो है। इसके अंदर यहाँ ऊपर एक प्यारी सी ग्रीन सी लाइट जलती है जब हम इसको इको मोड में राइड करते हैं।
तो चलिए अब इसको हम राइड करके देखते हैं और बताते हैं कि आपको इसकी कंफर्टेबिलिटी कैसी है। तो ये काफ़ी साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे होती है और अब हम इसको चला के देखेंगे कि आखिर चलाने में ये कैसी है। होंडा की जो SP125 है, ये अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी फेमस बाइक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई है अभी हाल ही में। तो अभी इनिशियली बैठने में मुझे इसकी जो पोजीशन है थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही है, और मतलब नॉट फुल्ली अग्रेसिव, मतलब जो बेसिक कम्यूटर्स होती हैं उनसे थोड़ी सी अलग है और कम्फर्टेबल मेरे को लग रही है। मैंने FZ चलाई हुई है, हिमालयन चलाई हुई है, प्लेटिना चलाई हुई है काफ़ी लंबे लंबे दूरीज पे, और चलाने को तो बहुत सारी बाइकें चलाई हुई है। ये मुख्य तीन बाइकें हैं जो कि मैंने लगातार लंबी दूरी पे चलाई हुई हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है अभी, जैसे घूमने में इसमें कॉर्निंग वगैरह अच्छी है, और अभी जो बाइक है वो रनिंग इन पीरियड में है, इसलिए मैं इसको 50-60 से ऊपर ज़्यादा नहीं चलाऊँगा। और अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे मैं इसको इको मोड पर चला रहा हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन सी लाइट का सिम्बल आ रहा है जो कि यहाँ पे इको मोड को शो करता है। अभी मैं 40 पे चला रहा हूँ, और इस 125 सीसी सेगमेंट की इस बाइक की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे प्यार से चलाएंगे तो ये 60 की स्पीड पे भी इको मोड की लाइट है वो जलती रहती है। और रियली अभी मेरे को तो जैसे देखने को मिल रहा है कि ये 70 से ज़्यादा का माइलेज दे रही है, तो हाँ ये शायद दे भी रही है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हाफ टैंक हो चुका है और मैं इसको 340 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। और जो रेंज की बात करें तो अभी ये मुझे 412 किलोमीटर की और रेंज बता रही है, तो ऑलमोस्ट ये 750 या 750 किलोमीटर की रेंज मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो देखेंगे एक बार इसको फुल टैंक, मतलब जब खाली करके देखेंगे कि कितना क्या ये माइलेज देती है। कंफर्ट मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है इसकी, और स्मूथनेस है काफ़ी बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि इसको आराम से 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई थकान होगी। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के बाद आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और इसको मैंने बीच में थोड़ा सा हल्का सा तेज़ चला के देखा था, तो भाई साहब इसका जो पिकअप है वो भी ठीक ठाक है, 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पिकअप है। 125 सीसी सेगमेंट में जो डेली कंप्यूटर सेगमेंट होता है उसके अंदर ये काफ़ी प्यारी बाइक लगी मेरे को, और काफ़ी फेमस भी है। तो अगर आप इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं तो बेशक जाइए। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूं तो इसकी 11.2 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। जो इसका पहला वर्जन आया था उसके अंदर जो पीछे का टायर था वो थोड़ा पतला सेक्शन का था, लेकिन अब जो ये लेटेस्ट वाला वर्जन है, ये 24 सितंबर का मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, तो इस वर्जन के अंदर जो पीछे वाला टायर है वो भी 18 इंच का टायर दिया हुआ है जो कि ठीक ठाक है, चौड़ा है, और उसकी ग्रिप पहले के मुकाबले अब अच्छी है। देखिए जैसे कि अभी मैं बता रहा था, ये देखो 60 की स्पीड पे चल रही है बाइक, और 60 की स्पीड पे भी ये जो इकोनॉमी की लाइट है ये जल रही है। इस बाइक को मैंने 2 सवारी भी बैठाई है, 3 सवारी बैठा के भी चलाया है, बिल्कुल भी मेरे को महसूस नहीं हुआ कि ये बाइक दब रही है। 3 सवारी के अंदर भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी स्मूथ तरीके से ये चल रही थी। शॉकर्स की बात करें तो इसके शॉकर्स मेरे जैसे हल्के वेट वाले आदमी, मेरा वेट ऑलमोस्ट 60 kg है, और 60 kg में इसके शॉकर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बट इतना प्रेस नहीं हो रहे, थोड़ा सा इसमें जैसे ही वजन करते हैं तो इसके शॉकर काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, अच्छे से दबते हैं और बिल्कुल झटकों के अंदर थोड़ा सा स्मूथ था लेके जाते हैं। हो सकता है कि नई नई गाड़ी हो इसलिए अभी तो शॉकर बढ़िया काम कर रहे हो, बात का पता नहीं। तो SP125 कि जो सीट की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो सीट की क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, मतलब इतनी ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक है। हाँ थोड़ी सी इसकी मेरे को सीट की जो चौड़ाई है वो कम लग रही है, जैसे प्लेटिना की थी वैसे ही थोड़ी सी पतली सी लग रही है, बस ये है कि ये थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह उससे कम कर रही है, और जिसके कारण ये थोड़ी सी राइड कम्फर्टेबल है। और अगर इसमें इस पर सैडलिंग की मैं बात करूं तो अभी थोड़ी सी रोड खाली आ जाए, मैं आपको इस पर सैडलिंग करके दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिर जो इसमें सैडलिंग का अनुभव है वो कैसा है इस बाइक के अंदर, आगे कोई लद्दाख राइड वगैरह के हिसाब से देख रहा हो तो वो भी देख सके। हाँ तो सैडलिंग करते समय अभी जो मेरे को थोड़ा सा इनिशियली महसूस हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पर जो ये इसके अंदर ये वल्किनेस है, जो आगे का ये पोर्शन दिया हुआ है, इसके कारण जब सैडलिंग करने के लिए आप जैसे ही उठते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या आती है। और यहाँ पर 3 भाई ओवरटेक करते हुए, और ये बिल्कुल ही अंधभक्त खड्डे में जाने के लिए तैयार हो गया बिल्कुल। तो सैडलिंग करते समय यहाँ थोड़ा सा इनिशियल जब आप उठते हैं तब यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि ये साइड के हैं ये काफ़ी बल्कि हैं बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो इसके कारण यहाँ से थोड़ा सा इशू आता है।
और अभी आप ये देख रहे हैं जो ये मैंने होंडा के ये एसेसरीज में इंस्टॉल करवा रखे हैं। डिज़ाइन के हिसाब से जो आगे की तरफ से है होंडा एक्सपी 125 काफ़ी बल्की सी लगती है, जबकि पीछे की साइड देखें तो केवल जो इसका टेल लाइट का पोर्शन है वो काफ़ी ठीक है। टायर इसका जो फर्स्ट मॉडल के अंदर था वो काफ़ी पतला था, शायद 17 इंच का था, जो कि बिल्कुल सूट नहीं करता था। अब 18 इंच का करने के बाद ये थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, लेकिन फिर वही है ज़्यादा मोटा टायर करते हैं, माइलेज भी ड्रॉप होता है, इसलिए कंपनी शायद इसके टायर को बड़ा नहीं कर रही होगी। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी मदद करेगा और आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे देखने को मिला इस बाइक का। आपको आप अगर आप इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं तो होप ये वीडियो थोड़ी सी आपका व्यू बनाने में मदद कर रहा होगा। तो अगर वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बाय बाय।